हेलो एवरीवन, आज हम मेंसुरेशन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियसली ईयर 2019 में आईआईएम इंदौर के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा गया है। थ्री क्यूब्स विद इंटीजर एज लेंथ आर गिवन। इट इज नोन दैट द सम ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज 564 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स आर, एंड द ऑप्शंस आर। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास में तीन क्यूब्स हैं जिनकी जो एज है उसकी लेंथ इंटीजर में है। उनका सरफेस एरिया जो है उसका सम हमें गिवन है। हमें वॉल्यूम की पॉसिबल वैल्यूज पता करनी है। सरफेस एरियाज का फॉर्मूला हमें मालूम होता है, वो है 6 × साइड स्क्वायर। मान लीजिए तीन क्यूब्स हैं जिनमें से एक की साइड है ए, एक की साइड है बी और एक की साइड है सी, और ये तीनों ही इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर डेफिनेटली। इनके सरफेस एरिया का अगर हम सम निकालते हैं तो वो होगा 6 × a² + b² + c² दिस इज इक्वल टू 564 गिवन है। हम इनके वॉल्यूम्स की पॉसिबल वैल्यूज मालूम करनी है। वॉल्यूम होगा a³ + b³ + c³। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, 6 × 56 9 × 94, सो a² + b² + c² इज इक्वल टू 94, वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो किसी भी हालत में हम सी की वैल्यू 9 से बड़ी नहीं ले सकते, बिकॉज 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ए बी और सी हमें चूज करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में से। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81। अगर हम किसी भी एक साइड को 9 लेते हैं तो उसका स्क्वायर 81 हो गया, तो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम 13 होना चाहिए, तभी हमें 94 मिलेगा। और 13 होने के लिए 4 एंड 9 एक पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स अगर हमारे तीन क्यूब्स की साइड्स की लेंथ हो जाती 2, 3 एंड 9 तो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती। ऐसे ही अगर हम एक क्यूब की एज 8 सेंटीमीटर की ले लेते हैं तो यहाँ पर जो एरिया निकालते हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 64 हो गई। हमें a² + b² + c² 94 चाहिए, तो हमें 64 के अलावा 30 और चाहिए। 30 अगर हम इनमें से कोई भी दो नंबर ले लें तो हमारे पास में 30 नहीं आ रहा है, यानी किसी भी क्यूब की एज जो है वो 8 नहीं हो सकती। अगर हम 47 ले लें एज को तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 49 है। हमें 94 चाहिए, यानी अभी हमें 45 और चाहिए। ये पॉसिबल है अगर हम 9 और 36 को ऐड कर दें। 9 स्क्वायर है 3 का, 36 स्क्वायर है 6 का एंड 49 7 का स्क्वायर है, तो ये भी एक पॉसिबल हमारे पास सॉल्यूशन हो सकता है। अगर हम एक को 25 ले लें, और जैसे ही हम एक को 25 लेंगे हमें जो डिफरेंस है वो लेना है 69 का कॉम्बिनेशन। अगर हम लेने की कोशिश करते हैं तो इनमें से किसी एक नंबर को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहां से नंबर लेके ये काम नहीं कर सकते। दैट मीन्स अब इनमें से कोई और नंबर हम ले नहीं सकते, क्योंकि वो केसेस हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज जो हैं एजेस की वो ये हमारे सामने आ गई हैं। अब हमें इनका वॉल्यूम निकालना है। अगर हम इस केस को कंसिडर करते हैं तो 2³ हो जाता है 8, 3³ 27 और 9³ 729। ऐसे ही 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 6³ 216 एंड 7³ 343। इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पर तो हम कर सकते हैं 343 एंड 27 इज 370 एंड 216 करते ही 586 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन आप जितनी तेजी से करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और इन तीनों को ऐड करने पर वी गेट 764 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों ही वैल्यूज हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है और यही हमारा आंसर भी है।